लेखिका अरुंधति रॉय ने सेना को लेकर की गई अपनी टिप्पणी के लिए 8 साल बाद माफी मांग ली। कहा कि हम सभी जीवन के किसी वक्त गलती से कुछ ऐसा कह सकते हैं जो मूर्खतापूर्ण हो, गलत हो। यह चिंता की बात है। यदि मेरे बयान से किसी को कोई भ्रम हुआ तो मैं इसके लिए माफी मांगती हूँ। असल में अरुंधति रॉय ने 2011 में सेना को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। अब सवाल अरुंधति रॉय की टिप्पणी और माफी का नहीं है, सवाल यह है कि अरुंधति रॉय जैसी लेखिका से सोनिया गांधी और उनके नेता कोई सबक सीखेंगे क्या? समय समय पर सेना के बारे में की गई अपनी टिप्पणियों के लिए राहुल गांधी देश से माफी मांगेंगे क्या? अरविंद केजरीवाल से लेकर सीताराम येचुरी तक, दिग्विजय सिंह से लेकर वे तमाम नेताओं को अब तो कुछ सोचना चाहिए। हालांकि अरुंधति रॉय ने यह टिप्पणी तब की थी जब केंद्र में मनमोहन की सरकार थी, लेकिन सत्ता जैसे ही कांग्रेस के हाथों से खिसकी उसने मौका खोजकर सेना पर कुछ वैसी ही टिप्पणी कर दी। अरुंधति रॉय ने अपनी टिप्पणी को मूर्खतापूर्ण माना और माफी भी मांगी। राहुल गांधी को चाहिए कि वे भी कुछ अरुंधति रॉय से सीखें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।